अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। उस्मान हियर विद अ न्यू टॉपिक, एंड आज के टॉपिक जो है हमारा वो अपलाइंस पर है। इंशाल्लाह ताला मैं आपको अप्लाइंस की बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपने जो है वो क्वालिटी अप्लाइन कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे अप्लाइंस की जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। इस साल भी काफ़ी सारे लोगों ने बर्ड्स लगाए हैं अप्लाइन के, एंड आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। तो चले आए वीडियो को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, ऑफलाइन क्वालिटी ऑफलाइन प्रोड्यूस करने के लिए आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि जो आपका बेसिक बर्ड है ना लव बर्ड्स के अंदर, वो ग्रीन बर्ड ही है। ग्रीन बर्ड में ग्रीन फिशर ले लें आप, या आप ग्रीन ऑफलाइन ले लें। अगर आप कोई भी बर्ड है उसको ग्रीन बर्ड से प्रोड्यूस करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो स्टेंस है, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसका जो साइज़ है वो बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू अदर बर्ड्स। अगर आप उनको ब्लू बर्ड से किसी और बर्ड से प्रोड्यूस करवाते हैं तो इसीलिए रिकमेंड ये किया जाता है। बड़े जो ब्रीडर हैं वो यही रिकमेंड करते हैं कि आप जो भी पेयरिंग करें उसके अंदर एक ग्रीन बर्ड आप लाजमी ऐड करें, और आप जो है मैक्सिमम कोशिश ये करें कि आप स्प्लिट्स यूज़ करें। आजकल हमारे लोग जो है वो स्प्लिट्स यूज़ नहीं कर रहे बिकॉज़ दे एक्चुअली वांट टू प्रोड्यूस विजुअल अप्लाइंस। उनकी कीमत ज़्यादा होती है और वो टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते, तो वो करते ये हैं कि विजुअल टू विजुअल अप्लाइन लगा देते हैं। उससे भी ये है कि आप वो इस तरह की क्वालिटी, उस तरह का जो साइज़ है बर्ड का वो प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। इसमें दो मेन चीज़ें हैं अगर आपने क्वालिटी अप्लाइन की क्वालिटी इंप्रूव करनी है। नंबर वन, आपने ग्रीन बर्ड की पेयरिंग लाजमी करनी है, दोनों में से आपका एक बर्ड ग्रीन होना चाहिए। सेकेंडली, आपने एक बर्ड स्प्लिट लाजमी यूज़ करना है। लोग स्प्लिट यूज़ नहीं कर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपनी पिछली वीडियो में अपनी पेयरिंग में आपको बताया था जो मैंने अप्लाइन की हुई है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप एक पेयरिंग से 6 किस्म के ऑफलाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी इसमें डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियो मौजूद है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने एक स्प्लिट बर्ड लगाया था विच वाज पावर ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन, एंड उसको मैंने विजुअली एक ग्रीन बर्ड के साथ पेयर अप किया था जो कि था ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू। इससे होगा ये कि आपके पास जो आज जो अप्लाइंस आएंगे वो सारे क्वालिटी वाले होंगे, उन बर्ड्स का जो है वो साइज़ अच्छा होगा क्योंकि वो ग्रीन बर्ड से निकले हैं। अब हम कुछ बात कर लेते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में। अप्लाइन के अंदर आपने कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको चेक करना होता है। अगर आप पेरेंट्स में उनके चेक करेंगे, अगर आप कहीं से बर्ड बाय करने जा रहे हैं अप्लाइन का, तो आपने उनके पेरेंट्स चेक करने हैं और ये स्टैंडर्ड उनके अंदर चेक करने हैं कि उनके अंदर मौजूद हैं कि नहीं हैं। अगर तो उनके पेरेंट्स अच्छे होंगे अप्लाइन के अंदर तो वो उनके बच्चे भी अच्छे ही प्रोड्यूस होंगे। अगर उनके पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, पेरेंट्स की मास्किंग है, पेरेंट्स के फीदर अच्छे नहीं हैं, स्केलिंग अच्छी नहीं है, तो उनके बच्चे भी अच्छे प्रोड्यूस नहीं होंगे। सबसे पहले आपने चेक पेरेंट्स में ये करना है कि उनकी मास्किंग ना हो, ठीक है, उनका हेड बिल्कुल क्लियर हो। नॉर्मली जब बच्चे प्रोड्यूस होते हैं तो उनकी स्लाइट सी मास्किंग होती है आईज़ के इर्द गिर्द, लेकिन ये फर्स्ट मोल्ड या मैक्सिमम सेकेंड मोल्ड के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो जाती है, उनका बिल्कुल क्लियर हेड होना चाहिए। सेकेंडली, उनकी जो चेस्ट लाइन है यहाँ पे वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल एक लाइन बनी होनी चाहिए उनकी, ऑरेंज कलर की जो उनकी लाइन होती है, या अगर ब्लू ऑफलाइन है तो ब्लू ऑफलाइन की बिल्कुल जो वाइट लाइन होती है बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे जो उनकी स्केलिंग है, उनके जो पर हैं उनके ऊपर स्केलिंग बनी होनी चाहिए, लाइक फ़िश टाइप स्केलिंग जो होती है वो उनकी क्लियर नज़र आ रही होनी चाहिए, ठीक है, वो आपस में मिक्स नहीं होनी चाहिए या बिल्कुल ऐसा ना हो कि नज़र ही नहीं आ रही, वो लग ही नहीं रहा कि उसके ऊपर स्केलिंग है या नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको साथ साथ पिक्चर्स में शो करता जाऊँ कि स्केलिंग से जो एक्सीलेंट स्केलिंग मास्किंग होती है वो क्या होती है। इसके अलावा आपने उसकी टेल बार चेक करनी है, टेल बार के ऊपर कितने ऑरेंज मार्क्स हैं, कितने डार्क हैं वो, ये आपने चेक करना है उसका। और एंड में आ जाती है पेडिग्री, उनके पेरेंट्स चेक कर लेने आपने। ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो आपने ऑफलाइन में लाजमी चेक करनी है, उसके बाद ही आपने उनके जो चिक्स हैं उनका बर्ड जो है वो बाय करना है। तो अगर आप अच्छा बर्ड बाय करेंगे, स्प्लिट टू विजुअल की पेयरिंग करेंगे, उसमें एक ग्रीन बर्ड लाजमी शामिल करेंगे, तो होपफुली आपके पास अच्छे अप्लाइंस की क्वालिटी आएगी, एंड जो वो अप्लाइंस जो हैं आपको आपके जल्दी सेल भी हो जाएंगे। और आगे अप्लाइन ने हर जगह पे यूज़ होना है, आप उसने डाइल्यूट में यूज़ होना है, पेल फैलो में यूज़ होना है, तो जब आप उनके साथ उनको पेयर अप करेंगे तो उनके आगे से बच्चे भी
अच्छे आएंगे। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपको मैंने क्वालिटी ऑफलाइन के बारे में बताना था, उस ऑफलाइन के स्टैंडर्ड्स के बारे में बताना था। मेरे पास इस तरह के ऑफलाइन मौजूद हैं, मैं आपको इस वीडियो के एंड में अभी दिखाता भी हूँ। एंड होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए अपना, अपने बर्ड्स का, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, ये देखें, ये एक मेरे पास ऑफलाइन बर्ड है। आप इसकी मास्किंग देख लें, आप इसकी स्केलिंग देखें, होपफुली आपको नज़र आ रही होगी। माशाल्लाह देखें, बिल्कुल क्लियर मास्किंग वाला बर्ड है, ठीक है। और आप इसकी स्केलिंग भी देख लें, आपको स्केलिंग क्लियर नज़र आ रही है इसके फीदर्स के ऊपर। तो ये मेरे पास ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू की फ़ीमेल है, एंड इस तरह का बर्ड आपके पास होना चाहिए। और इसकी चेस्ट की लाइन देखें, बिल्कुल क्लियर है। इस तरह का बर्ड अगर आप लेंगे और इसको आप पेयर अप करवाएंगे किसी ब्लू बर्ड के साथ, अगर मैं इसके साथ पार ब्लू लगाऊं स्प्लिट ऑफलाइन, तो ये मेरी बेस्ट पेयरिंग होगी ऑफलाइन की विद अ ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू फीमेल। इसमें एक ग्रीन बर्ड भी आ गया और आपने एक स्प्लिट बर्ड भी लगा दिया, तो ये मुझे मैक्सिमम रिज़ल्ट देंगे ऑफलाइन के।